ये है ईसीएम, ठीक है। ईसीएम का मैंने पहले ही बताया है, ईसीएम का काम क्या है ध्यान रखना, पूरी गाड़ी में ईसीएम ज़्यादा काम नहीं करता, वर्किंग इसकी हार्ड है, पर ये सप्लाई देगा सिग्नल, ठीक है, 5 वोल्ट और ग्राउंड, ठीक है। ये ज़्यादातर यही 3 चीज़ें देता है, ध्यान रखना, ठीक है। हर जगह से क्या नाम है कमांड लेने के बाद इन तीनों में से कोई एक चीज़ ये प्रोवाइड करवाएगा, समझ गए सीधा एकदम। ये है तुम्हारा ईसीटी सेंसर, ये रहा इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर, ठीक है, आईएटी, ये रहा इंटेक एयर टेम्परेचर, और मैप सेंसर, मैनिफोल्ड एयर प्रेशर, ठीक है, ये सेंसर है। अब अगर इसमें देखोगे सेंसर में बता दूं, इंजन के अंदर दो ही टाइप के मिलेंगे, या तो 3 वायर वाला या फिर दो वायर वाला। अब ये एक सेंसर है जो ईसीटी का, इसमें 2 वायर है, एक और दो, ठीक है। ये वायरिंग डायग्राम है तुम्हारा, थ्रॉटल बॉडी का, सेंसर का, VSS, ECT, MAT, मैप सर्किट, ये उसका सर्किट है, ठीक है, वायरिंग डायग्राम है। थ्रॉटल बॉडी में जब तुम एक्सीलेटर देते हो तो एक्सीलेटर देने के लिए ये उस चीज़ में पहले हर चीज़ का ये डाटा निकालेगा, किसमें क्या है, ठीक है, कौन सी चीज़ कौन सा सेंसर कितना काम कर रहा है, सब देखेगा। ये है तुम्हारा ECT सेंसर, इंजन कूलेंट टेम्परेचर, 2 वायर है, एक और दो यहाँ लिखा है, ये क्या है सिग्नल, ये वाला जो तुम्हारा साइन होता है कहीं पर भी वायरिंग में ऐसा जो साइन आता है, ये तुम्हारा होता है ग्राउंड का, ठीक है, क्लियर है। ये हो गया ग्राउंड का, तो अब इसने इस सेंसर में क्या दिया, सिग्नल और ग्राउंड। हर सेंसर को काम करने के लिए क्या चाहिए, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट चाहिए। तो जिसमें 2 वायर होंगी उसमें सिग्नल में ही 5 वोल्ट होंगे, ठीक है, सिग्नल वाली वायर में ही 5 वोल्ट होंगे, ठीक। ऐसे ही IAT है, ये भी 2 वायर का है, ये देखो ये ECT है, 2 वायर है, 2 पिन है ना इसमें, ये IAT है, ये भी 2 पिन का है, ठीक। इसमें भी यही है, एक सिग्नल एक ग्राउंड, लेकिन मैप सेंसर है तुम्हारा 3 वायर का, ये ठीक है, 3 वायर का है, मैनिफोल्ड, ठीक है, ये मैनिफोल्ड पर लगता है, इंटेक मैनिफोल्ड पर लगेगा, ये जो इंटेक का जो मैप सेंसर आता है, ये मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर, ठीक है। ये 3 वायर का, 3 वायर में से एक जो होगी तुम्हारी सिग्नल की होगी, एक होगी 5 वोल्ट की, और एक है तुम्हारा ग्राउंड। बेसिकली सिंपल सी बात है, जो 2 वायर वाली जो सेंसर होगा उसमें एक में आएगा ग्राउंड और एक में आएगा 5 वोल्ट सिग्नल के साथ, ठीक है। लेकिन 3 वायर में सिग्नल अलग आता है, 5 वोल्ट अलग आएगा और ग्राउंड अलग आएगा, ठीक है। अब इन तीनों में से कोई भी पिन हो सकती है, क्योंकि हर गाड़ी की वर्किंग अलग है, हर गाड़ी में जो भी वायरिंग है ना, हर वायरिंग का काम अलग है, कोई सी भी वायर ऐसा नहीं है कि अगर जो एक गाड़ी का है तो ये सही यही डायग्राम दूसरी गाड़ी का होगा, नहीं हो सकता, वायर पिन भी अलग अलग हो। तो लेकिन सेंसर में जो 3 वायर आती है वो तीनों होती इसी चीज़ की है, तो ये तुम्हें चेक करना है कि कौन सी ग्राउंड की है, कौन सी 5 वोल्ट की है और कौन सी सिग्नल की, क्लियर है, ठीक है। दूसरा, इन सब से करने के बाद ये इस पे आता है, ये है तुम्हारा थ्रॉटल बॉडी का, ठीक है, MTIA बताया था मैंने, MTIA का क्या है दिखाता हूं, ये दिख रहा है, मेन थ्रॉटल आइडल एक्चुएटर, ठीक है। MTIA का मतलब ये होता है MTIA, मेन थ्रॉटल आइडल एक्चुएटर, ठीक है। थ्रॉटल का मतलब थ्रॉटल बॉडी, ठीक। वापस आ जाते हैं, एम, ये एम दिख रहा है, एम का मतलब है मोटर, इधर ना, एम का मतलब क्या है, मोटर। तो डायग्राम में कहीं पर भी अगर ऐसे सर्कल के बीच में एम लिखा है तो वो है मोटर, ठीक है। ये होगी तुम्हारी थ्रॉटल बॉडी की मोटर, ये हो गया तुम्हारा आइडल स्विच, ठीक, ये होगी आइडल पे, आइडल पे पोजीशन, और ये थ्रॉटल पोजीशन। इसके अंदर एक सेंसर आता है ना TPS, बताया था मैंने, थ्रॉटल पोजीशन सेंसर, ये सेंसर इसी में आता है, ठीक है। अब अगर इसमें भी देखोगे तो ये इधर पढ़ो,
ये इसमें तुम पढ़ोगे, इसमें से एक वायर आ रही है आइडल स्पीड मोटर की, नीचे प्लस लिखा है, तो ये कौन सी हुई? पॉजिटिव, ठीक है। दूसरी है आइडल स्पीड मोटर, नेगेटिव लिखा है, ये कौन सी हुई? नेगेटिव की। उसके बाद आइडल सिग्नल की, सिग्नल वायर आ गई है यहाँ पर, ठीक है। और आइडल पोजीशन सिग्नल, ये भी क्या है? सिग्नल है। उसके बाद टीपीएस सिग्नल, टीपीएस का मैंने बताया तुम्हें, टोटल पोजीशन सेंसर, उसकी भी कौन सी आई? सिग्नल की। अब इसके बाद ये सेंसर है, टीपीएस लिखा है ना, टोटल पोजीशन सेंसर, तो ये कौन सा हुआ तुम्हारा? ये हुआ सेंसर। सेंसर में क्या आ रहा है? सिग्नल 5 वोल्ट और ग्राउंड। क्लियर है, समझ आ गया? ये टोटल बॉडी में अगर तुम देखोगे तो ईसीएम, ये है तुम्हारा ईसीएम, ये जो है ना, ये जो ब्रैकेट है, ये लिखा है ईसीएम, लिखा है ना, ये ईसीएम है। अब इसमें देखोगे तो ईसीएम के अंदर 62 नंबर की पिन है, ठीक, लेकिन टोटल बॉडी में 5 नंबर है, ठीक है। कलर क्या है? एल। एल से कौन सा है? देखते हैं, ठीक है। इसके अंदर है 5 नंबर पिन, तो कौन सी हुई? ठीक है, तो ये 5 नंबर की पिन ये रही, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर कितनी वायर है? 1, 2, 4, 6 और 1, 7। अब इसके अंदर भी अगर देखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 वायर है, ठीक है। सारी वायर कहाँ आ रही है? ईसीएम के अंदर। तो ये सारी वायर कहाँ जाएगी? ईसीएम के अंदर। क्लियर है, वायरिंग जब भी चेक करनी हो। अब ईसीएम से ही देखो, यहीं से 7 वायर कहाँ जा रही है? ईसीएम में, और फिर इसी में से ही आएगी तुम्हारी इंजन कूलेंट टेम्परेचर पे, इंटेक एयर टेम्परेचर पे और मास एयर फ्लो पे, ठीक है। सारे सेंसर्स की वायरिंग कहाँ आएगी? ईसीएम के अंदर। कहाँ से? ईसीएम से ही आएगी और ईसीएम में ही जाएगी। तो ये क्या कर रहा है? इधर ही सिग्नल दे रहा है और उधर ही सिग्नल ले रहा है, वापस भी ले रहा है, ठीक है। क्या करेगा? जब तुम एक्सीलेटर देते हो, एक्सीलेटर देने के बाद जो गाड़ी की रेस बढ़ती है वो एकदम से नहीं बढ़ेगी, वो पहले सिग्नल लेगा कई जगह से, क्रैंक से, कैम से, ठीक है। टोटल को सिग्नल तब देगा, क्रैंक, कैम, उसके बाद तुम्हारा इंजन कूलेंट, आईएटी, इन सब के बाद करने के बाद ये थ्रोटल पे और इंजेक्टर पे सप्लाई देगा, उससे पहले ये नहीं देगा। क्लियर है ये चीज़? समझ आ गया सबको? क्लियर, ठीक है।